नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। खास पेशकश में आज का विषय है चीन पाक की एक और चाल। एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को देखकर भी यही कहा जा सकता है। दोनों देशों के पड़ोसी मुल्कों से उनके रिश्ते, विस्तारवादी नीतियां और मानवाधिकार के हालात बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वही 1947 से ही चीन और पाक भारत को अपना दुश्मन नंबर एक मानते हैं। हमारी कई कोशिशों के बाद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। देश अब तक गलवान में हिंसक झड़प को नहीं भूल सका है, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन सबक भी था चाइना के लिए। तो वहीं अब चीन पाक की एक और चाल सामने आई है। ड्रैगन पीओके में पाक सेना की मदद कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर सरकार को जानकारी दी। एक चीनी निर्माण कंपनी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना ऑफिस बनाया। साथ ही मुजफ्फराबाद और अथमुकम से सटे इलाकों में हो रहे काम को नियंत्रित किया जा रहा है। एजेंसियों ने कहा कि चीनी कंपनी मई से पाकिस्तानी सेना के लिए बंकरों का नवीनीकरण और नए निर्माण कर रही है। चीनी कंपनियों ने पहले भी पीओके में निर्माण कार्य किया है, लेकिन यह पहली बार है जब एलओसी पर इस तरह की परियोजना शुरू की गई। आपको बता दें कि यह क्षेत्र पीओके की नीलम घाटी से सटे केल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना 32 डिवीजन के अंतर्गत आता है। बीजिंग ने पहले अपने जवानों और मशीनों को राजस्थान में बीकानेर के सामने पाकिस्तानी धरती पर भेजा था। यहां एक फॉरवर्ड एयरबेस को अपग्रेड किया गया था और 350 से अधिक स्टोन बंकरों और सीमा चौकियों का नवीनीकरण किया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान का करीबी सहयोगी चीन इससे पहले भी कई मौकों पर सुर में सुर मिला चुका है। भारत ने अगले साल जम्मू और कश्मीर में G20 नेताओं की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। भारत के इस कदम को लेकर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आपत्ति जताई थी। ड्रैगन ने अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि संबंधित पक्षों को मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। इस नापाक गठजोड़ पर पूर्व CDS बिपिन रावत ने भी कई बार कहा था कि भारत को दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। हकीकत क्या है, तैयार कितना है हम, और इस तरह की जो नापाक कोशिशें हो रही हैं, भारत के पास उसका जवाब क्या है? दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनसे हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। हालात किस तरह के हैं, क्या जवाब होगा भारत के पास? हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। VN झा साहब, एक चूक है या भारत किस तरह से जवाब देगा, क्योंकि पीओके में मुझे याद है कि सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके के भी हम भारत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन चाइना की उपस्थिति कितना दिक्कत दे सकती है? रविंदर जी, दो चीजें हैं इसमें जी। एक तो जहां तक भारत का सवाल है जी, भारत ये काफी पहले से जानता है, बहुत ही पहले से जानता है कि इसके दो एडवर्सरी या एनिमीज हैं हमारे सीमा से रखे हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। ये तो हमने जब फौज में जब ज्वाइन करी थी तभी से हमें ये पता है। जितनी भी हमारी ब्रीफिंग्स होती थी, हमेशा हम टू फ्रंट वॉर के लिए डिस्कशन करते थे, तैयारी करते थे। तो ये चीज तो हमें मतलब चिर परिचित है भारत के लिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब जहां तक कॉलिजन की बात आती है चीन और पाकिस्तान के बीच में, तो ये कॉलिजन है और ये खास करके तब से है जब से चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगाया हुआ है, काफी इन्वेस्टमेंट लगाए हुए हैं और एक तरह से उसने पाकिस्तान को खरीद लिया है। आज पाकिस्तान की वो हालत है कि अगर चीन उसको कहेगा कि खड़े रहो तो वो खड़ा रहेगा, कहेगा कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा। अब पाकिस्तान की अपनी जो, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है पाकिस्तान, लगभग लगभग वहां पे हो गया है। और दूसरी चीज, चीन ये जानता है कि इस पूरे रीजन में या उसके चारों तरफ अगर कोई एक शख्स है, अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो वो है भारत। चीन ये बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और इसके अलावे
कभी भी चीन ने दूसरी किसी और एंगल पर ध्यान नहीं दिया। आज के दिन में चीन जो है वो बड़े इफेक्टिवली भारत को काउंटर कर रहा है, एक तो एलओसी के थ्रू पाकिस्तान को सहायता देके, और दूसरी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो इंसर्जेंट्स हैं, माओइस्ट ग्रुप हैं, नक्सल ग्रुप्स हैं, उनको सहायता करके। तो इस दोनों एंगल से चीन जो है आज के दिन में भारत को बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए एक तरह से शह देता जा रहा है। और तीसरी जो चीज हुई थी वो आज से दो साल पहले जो गलवान वैली में जो हुआ था, गलवान वैली तो एक बहाना था, उसके पहले ही उसने वहां पे पेंगोंग लेक में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, उसके पहले उसने सिक्किम में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। तो ये छोटे छोटे छिटपुट घटनाएं होती रहती थी, लेकिन जो गलवान में हुआ उसके बाद भारत को प्रतिक्रिया अपना देना पड़ा और काफी सख्त प्रतिक्रिया दिया है। और अंतिम चीज मैं बताता हूँ, अगर भारत ये कह रहा है कि हम हमारा जो एलओसी है, एलओसी के अक्रॉस में अगर पीओके हमारा है, तो भारत को अपने तरफ से कुछ करना ऐसा होगा जिससे ये पता चले कि पीओके में हमारा वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी फिलहाल तो मैं कोई ऐसी गतिविधि नहीं देख रहा हूँ जिसके चलते हम ऐसा कह सकते हैं। रविंदर जी, ठीक, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, चूंकि आप जानकार भी हैं सामरिक मामलों के, थोड़ा सा हम स्थिति को ये समझना चाहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ताना रवैया कुछ बड़े देश भारत के साथ अपनाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बड़े हितैषी हैं, चाइना की इन हरकतों की नजर क्या उन पर नहीं पड़ती है कि अगर भविष्य में इस तरह की स्थिति बनती है तो वो देश भारत के साथ खड़े होंगे या यूक्रेन जैसी स्थिति होगी? हेलो, जी जी आपको सुन रहे हैं, बताइए। देखिए सर, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि भारत के साथ कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा एक सच है जिसको हमारे भारत के विदेश मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे राष्ट्रीय हित ही सर्वोच्च होते हैं और उसी को मद्देनजर देख करके ही निर्णय लिए जाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम तो जिस तरह से यूक्रेन की स्थिति में भारत का रवैया था जी। और अभी जब स्लोवाकिया में एक सत्संग था पर हमारे विदेश मंत्री से क्वेश्चन किया गया कि आप ये बताइए कि जब चाइना का अग्रेशन बढ़ेगा जी। तो भारत को फ्रेंड की जरूरत है और यूरोप हो सकता है यदि आप यूक्रेन पर अपने पोजीशन को चेंज करें जी। तो भारत जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने बहुत क्लियर किया कि एक दुश्मन से लड़ने के लिए हम दूसरा दुश्मन तैयार नहीं करते हैं जी। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि चाइना से निपटने के लिए भारत की समर्थ पर्याप्त है और हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है जिसे कहते हैं कि हमारा जो निर्णय होगा वो हमारे हित के अनुसार हम लेंगे, तो ये कहना कि कोई दूसरा देश हमारे साथ आए तभी हम चाइना से निपट सकते हैं, इस तरह की बातें अफगानिस्तान की भी लागू हो सकती हैं, सीरिया की भी लागू हो सकती हैं, यूक्रेन की लागू हो सकती हैं, जिनकी विदेशी नीति, जिनकी निर्भरता सुपर पावर कंट्री पर रहती है। भारत अपने, और हम जानते भी हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक खेल है, नहीं तो इसका मतलब ये है कि कोई देश अगर शक्तिशाली है तो वो किसी भी देश की सीमा पर अपना शिकंजा कसता जाएगा, उसकी सीमा में घुसकर चौकियां बनाता जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता जाएगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच रहती है देशों की? नहीं, ये बात एकदम अलग है कि यदि कोई देश शक्तिशाली है तो एग्रेसिव, जैसे भारत भी एक शक्तिशाली है, इसलिए हम एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा देश ऐसा जैसे कि चाइना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम एक डिटरेंस थ्योरी है जिसे कहते हैं कि चाइना से निपटने के लिए भारत अपना जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है, दो स्तर पर, एक अपने नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है वो जब कैसे उसको सामना करे, दूसरा हमारी डिप्लोमेसी होती है। आज की डेट में दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जो भारत के साथ ना खड़ा हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, वो G7 हो, हर तरह के जितने भी अलायंसेस है, ये डिप्लोमेसी भारत की हमारी जीत है कि हमारे तरफ एक तरफ यदि रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी है, और यदि एक तरफ G7 के कंट्री साथ में है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के कंट्री भी साथ में है। लेकिन हमें ये भी तो सर सोचना होगा, जिस तरह से पीएको में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जो कि अभी
उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, दो देशों के बीच आपसी मतभेद हैं उस पर, और उस पर चाइना कहीं ना कहीं निर्माण कर रहा है। अभी हम जहां साहब आपके पास आना चाहेंगे, देखिए रविंद्र जी, एक तो अभी पहले जो हमारे आपके हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे चीन के बारे में जी, तो जहां तक भारत का संबंध है जी, भारत को आप यूक्रेन से कंपेयर मत कीजिए। नहीं, यूक्रेन से मैंने कंपेयर नहीं किया, देखिए मैं क्लियर कर दूं, यूक्रेन से कंपेयर नहीं किया, एक हमने एग्जांपल दिया कि हमारे दोस्त जो हमें कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, वो हमें अकेला ना छोड़ दें। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। तो लेकिन आज के जो दिन में एक परिप्रेक्ष्य जो बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री परिप्रेक्ष्य बन रही है, वो ये कि अगर कोई सशक्त देश किसी के ऊपर में चढ़ाई कर देगा तो वो उसको खुद भुगतना पड़ेगा और कोई उसके बचाव में नहीं आएगा। आप यूक्रेन की बात कर लीजिए, आज से पहले आप सीरिया की बात कर लीजिए, नागरनो काराबाख का को लोगों ने बर्बाद कर दिया उसकी बात कीजिए, इराक, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ की आप बात करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन में आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, कि अगर कोई बड़ा देश, कोई सशक्त देश छोटे देश पे अगर अटैक किया तो उसके बचाव में कोई नहीं आएगा जब तक कि तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति खड़ी ना हो जाए। तो एक तो वो चीज है, दूसरा जो अभी आपने पूछा जो जो आपका असल सवाल था वो ये कि भारत और चीन के बीच में जो भी चल रहा है, मुझे ये लगता है कि भारत को अपना एक सैन्य विदेश नीति या सैन्य विदेश नीति, इंडिपेंडेंट सैन्य विदेश नीति बनानी होगी, क्योंकि जब भी भारत कुछ करता है तो चीन उसको वार्निंग देता है भारत को, लेकिन जब चीन ऐसा ही कोई काम करता है भारत उसको वार्निंग नहीं दे पाता है। जैसे अभी यहाँ पे पीओके में वो हस्तक्षेप कर रहा है, लद्दाख में हस्तक्षेप कर रहा है, कहीं और हस्तक्षेप कर रहा है, भूटान में भी इस तरह की कुछ स्थिति बनी, पेंगोंग से पुल बना लिया उसने जी। एक बड़ी सी फीबल रिस्पॉन्स भारत की तरफ से, विदेश के नीति की तरफ से आया हुआ है। एक प्रोएक्टिव जो नीति होनी चाहिए, एक प्रोएक्टिव जो कथन होना चाहिए वो नहीं आता है, जिससे कि चीन को सीधा सीधा एक चैलेंज भरा, एक धमकी तो नहीं कर सकते, एक चैलेंज दे सके कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो चाहे वो पीओके का क्या हम स्थिति में हैं, क्या हम अब इस स्थिति में हैं? देखिए भारत की स्थिति, आप, मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप यूक्रेन या किसी और से कंपेयर मत कीजिए, भारत काफी सशक्त है। भारत को सिर्फ जरूरी है, जरूरत है एक प्रोएक्टिव स्टेप की। ये प्रोएक्टिव स्टेटस जो है मिलिट्री फॉरेन पॉलिसी, ये कहीं पे थोड़ी सी कमी पड़ रही है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जहां पे हमारा है वो एक ऐसा इलाका है जहां पे कि हम चीन को और पाकिस्तान को दोनों को वहां पे अलग अलग रख सकते हैं, वहां पे हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति होनी चाहिए जो नहीं है, वहां पे हमारी एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम वहां पे डिक्टेट करें, लेकिन वो नहीं हो रही है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो मिलिट्री के निगाह में, वहां पे हम डिक्टेट कर सकते हैं, वहां हम चीन को मौकी दे सकते हैं, वहां पे चीन को हम आईना दिखा सकते हैं कि तुम अगर ऐसा गलवान में कर सकते हैं तो हम ऐसे बहुत सारी जगह में कर सकते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संदीप जी, आपसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि एक पी चिदम्बरम साहब जब अपने कार्यकाल में थे तो उन्होंने कहा था कि 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर हम चौकियां स्थापित करेंगे, उस तरह की स्थिति से क्या लगता है कि बात कुछ बनती और जानकारियां जल्दी जल्दी साझा होती और हमारी सीमाएं भी मजबूत रहती? देखिए मेरा मानना यह है कि चाइना की जो पोजीशन है जी, वो बहुत ही रिलायबल, पूरी ऐतिहासिक ये गवाह है अभी तक हमारे सच हैं कि उस पर उसके किसी भी डिप्लोमेसी को लेकर के जब हम इंगेज होते हैं चाइना से तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है वो, और बॉटम लाइन उसका यह है कि ये बहुत ही ससेप्टेबल और कभी भी डिफीट कर सकता है जी। तो चाइना को लेकर के हम जो टॉक ऑफ टेरर की जो बात होती है तो टॉक तो रहती है, और इसका मैं एग्जांपल भी आपको रिसेंट में देना चाहूंगा, जो हमारे रिसेंट अभी अभी हालिया में जो आर्मी स्टाफ चीफ आर्मी स्टाफ पांडे सर जो ज्वाइन किए अपॉइंटमेंट हुए, और उन्होंने बहुत ही खुलकर बात बोली कि हमारे हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें और जो स्पेशली जो आपका सवाल इस बात पर कह रहा है कि पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है पीओके में एलओसी में स्पेशली, तो वो उससे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं बन पाई 60-70 सालों में चाइना के साथ।
तो ये कन्वर्सेशन डायलॉग ये चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने कैपेबिलिटी को और अपने डिफेंस को बहुत ही पूरी तरीके से सक्षम करना होगा डिटरेंस के लिए और किसी भी स्थिति को तैयार करने को उसको सामना करने के लिए। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा था हमारे अदर्स पैनलिस्ट के साथ, मैं उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी। आपका पॉइंट है कि दूसरा देश साथ आए जी। आपको बता दें कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत ही फ्लक्स होती है जी। आज जो हमारे साथ है कल वो हमारे साथ रहे कोई बात जरूरी नहीं है जी। लेकिन भारत की कूटनीतिक सफलता है ये जो वर्तमान सरकार है, स्पेशली मैं जो हमारे जयशंकर हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जी। उनकी जो कूटनीतिक सफलता इस बात की है कि आप देखिए कि यूरोप में जब गए उन्होंने खुलकर बात को कहा कि भारत का जो अलाइनमेंट है वो इशू बेस्ड अलाइनमेंट है जी। तो हम और उन्होंने एक बात और अच्छी कही थी कि यूरोप अगर ये समझता है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है और दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है तो दिक्कत वाली बात। उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ कि हम एक बाइनरी पोजीशन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं देखते हैं जी। हमारे साथ यदि हम रशिया के साथ कंफर्ट हैं और जबकि रशिया चाइना के साथ कंफर्ट है, हम यूएस के साथ कंफर्ट है जबकि रशिया यूएस के साथ कंफर्ट नहीं है। आप देखिए कि एक साथ हम हर ब्लॉक में हमारे एक स्टेबिलिटी है और हमारा एक पार्टनरशिप है और अलायंसेस है और कोऑपरेशन भी, और जमीन में ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पर है। हमने हमने यूएस का देखिए कि यूएस हमें कच्चा माल पर क्यों इंपोज नहीं कर पा रहा, टर्की पर काटता इंपोज हो रहा, लेकिन डॉक्टर संदीप हम चाहेंगे संक्षेप में बात खत्म करें और हम आखिरी पॉइंट उनसे लेंगे उसके बाद समापन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा संक्षेप में आप माफी चाहेंगे बात पूरी कर दें जी। जी डॉक्टर संदीप जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि चाइना से निपटने के लिए भारत को और ज्यादा से ज्यादा हमने हमारे डिफेंस और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना होगा और सेल्फ हेल्प का जो कंसेप्ट है, जो हमें स्वदेशी का कंसेप्ट, हमें अपने मॉडर्नाइजेशन जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन वो बहुत तेजी से करना होगा और डिपेंडेंसी जो आर्म्स डिपेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी और रशिया के साथ बढ़ करके इनोवेशन करना पड़ेगा और मुझे लगता है यही सबसे तरीका है चाइना से निपटने का। ठीक है वीएन झा साहब जी, किन किन सेक्टर्स में हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो चाइना की जो हालत हो चुकी है वो हर कोई जानता है। देखिए भारत के पास में संक्षेप में बात पूरी करेगा समापन की तरफ, बिल्कुल संक्षेप में जी। भारत के पास में दो बड़े अच्छे प्रैक्टिकल एडवांटेज जो है, एक तो यहाँ की मिलिट्री जो है काफी सशक्त है और काफी हाई मोरल है मिलिट्री का जी। जहाँ पे भी मिलिट्री हमारी जाएगी वो पूरे तन मन धन जिसको बोलते हैं पूरी मानसिकता के साथ जाती है, जो कि चीन में एक कमी है। दूसरी हमारी जो अभी तक एक पॉलिसी रही कि सिर्फ एक पैसिव डिफेंस करो, वहां पे अभी पिछले कुछ सालों में चेंज आया हुआ है, अब एक्टिव डिफेंस पे हम ऑफेंसिव डिफेंस पे हम आए हुए हैं, जहां पे के लोग जो हैं वो बिल्कुल ऑफेंसिव पोजीशन में हैं कि अगर किसी तरह की बात हुई तो सीधा उसके ऊपर में प्रहार किया जा सकता है। तो ये दो चीजें बड़ी अच्छी हुई है, जैसे एक माउंटेन स्ट्राइक हो। समय हमारे पास इतना ही था, माफी चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जी। जी बताइए बताइए जल्दी बताइए। एक माउंटेन स्ट्राइक फोर्स आपने बनाया होगा, एक और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाइए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो चीन के खिलाफ आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेने की देगा। ठीक बात, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चीन पाक की एक और चाल भले ही हो, चाइना और पाकिस्तान भले ही गलत मंशा रखते हो, भारत की जो विदेश नीति और भारत की जो रणनीति है इस वक्त उसके आगे दोनों मात खा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख वर्तमान में और मजबूत हो चुकी है। फिलहाल इतना ही इस खास पेशकश में, लेकिन अब बात करते हैं देश की आजादी की। देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। एपीएन न्यूज द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यावहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित किए जा रहे स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा।
हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है, आपको swadesh.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप वन, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप टू, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप फोर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुएप, स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।